खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। दास नरिंदर सिंह ऑस्ट्रेलियन सिख एसोसीएशन लिमिटेड दे विच सीएफओ की सेवा निभाता है। अज आप जी नूं जान के बड़ी खुशी होएगी कि एएसए वालों अपनी आ सेवा मिलन दे वास्ते डायरेक्टर्स जिहड़े हैगे सेवादार उन्होंने मिलजुल के संगत दे सहयोग दे नाल सहज पाठ दे सेवा लीती सी जिहदे अज संपूर्णता हुई है ते सहज पाठ दे भोग पाए गए हैं। और खुशी की गल यह है कि जदों भोग पाए ने अज इंटरनेशनल वूमेंस डे भी है जिहदे विच साढ़े गुरु नानक देव साहब जी ने फुरमान है कि सो क्यों मंदा आखीए जित जमे राजान। उस महावाक नूं मुखते विच रखते हुए अज एएसए ने आ फैसला किया कि जिन्हें अज सवेर के दीवान हैं उसके साड़ी बीबिया ने लेडीज़ ने बढ़ चढ़ के हिस्सा पाया है। उन्होंने पहली बार ये शायद मेरी नॉलेज में हिस्ट्री होया होएगा एएसए की कि लेडीज़ ने सारी सेवावान निभाइया हैं सवेरे प्रकाश की सेवा तो लैके नितनेम साहब जी के पाठ सिमरन की सेवा उसके बाद सहज भाग के पोर्ट अब सहज भाग के पोर्ट पाए गए हैं। उस तो उपरंत कीर्तन की सेवा अरदास प्रसाद हुक्मनामा ते अज दीवान सारे दिन चलणगे। हुण दो तो चार साड़ी बीबिया का एक डिस्कशन फाइनल भी है जिहड़े नोटिस बोर्ड के लगे हुए हैं ते साड़ी रिवर्ड बीबिया आके उस डिस्कशन के हिस्सा पाणगियां। सारी संगत नूं हाथ जोड़ के बेनती है कि तुसीं उह डिस्कशन के जरूर हिस्सा पाओ ते बीबिया का उत्साह बढ़ावो जी। ते संध्या के समय की रह रहस की सेवा और शाम के कीर्तन दीवान की सेवा सुखासन ते समाप्ति की अरदास ये सारा विच बीबिया का सहयोग होएगा। बड़ी उत्साह के नाल इहदे विच योगदान पाया है। ते दास यही कहेगा कि जी अगर असी इंटरनेशनल वूमन डे मना रहे हाँ असी उन्हों अपने घरों तो मनाइए। वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। इन्नी अच्छी खुशी होती है तो प्राउड के सारे जाने एक करियर बारे गल कर रहे हैं ये इन्हों उदा के इशूज नहीं है जो कुछ लोग रिलेट कर पाएंगे कि जॉब ही नहीं है। मतलब लेडी मेरे टाइम तक 20 साल पहला तक मैं पहला अपने फैमिली जो मैं मैरिज हुई है मेरी एज अ फर्स्ट वन वो नौकरी कर रहे ठीक है ना। मेरे मम्मा ने करे मेरी मम्मा कर रहे थे वो कोई नहीं कर रहा। सो तुम आज सारे नौकरी बारे गल कर रहे हो तुम ये गल कर रहे हो आई टेक अ ब्रेक फ्रॉम ऑफिस और मेरा जॉब मैं बहुत परेशान हो गई है मैंने कुछ सोच लिया कि और जॉब करा। ये बहुत ज़्यादा प्रोग्रेस हैगी अपने आप के राइट तुम कि इदा नहीं है कि थोड़े किसी ने विह कराता और विह कर लिया और दैन लिव फ्रॉम देयर। ये बहुत ज़्यादा प्रोग्रेस हुई है 20 साल के अंदर सो इन सैलीब्रेट करना चाहिए सबू बहुत ज़्यादा सैलीब्रेट करना चाहिए। आज के डेट में भी साड़ी पैरल दुनिया जा रही है इन कंट्रीज वेयर विमेन बच्चे वह ही करते हैं 9 साल तक कुड़ी ब्याह करते हैं राइट। सो वे कोई ऑप्शन ही नहीं है कि यह कहने की कि यार मैं आ नौकरी नहीं करनी मैं वो करनी सी। सो सानू इनू बहुत ज़्यादा प्रिवरेज लेना चाहिए और यदा हर सैकेंड इंजॉय करना चाहिए। ये सू परेशानियां मिली हैं दे आर ब्लैसिंग्स वी शुड बी सो प्राउड एंड थैंकफुल कि सू ब्लैसिंग्स मिली है। यह परेशानियाँ यार डेडलाइन मिस होगी ऑफिस के कलेज ने घर न्याणे भी देखने ये ब्लैसिंग है इन्हों इदा ही लैके चलो ये अच्छा फीलिंग आएगी अपने आप में हमेशा फॉर योर सेल्फ टू बी हैप्पी तुम कोई कंपैरेटिव एनालिसिस कर सकते हैं अपने आप का फिर उन्होंने एट दिस पॉइंट शाम माइक यू माइट इवन थिंक अबाउट ऑल यू नीड लाइक शी कैन डू इट आई कैन डू इट आई मीन यू ऑलवेज नीड रेफरेंस पॉइंट्स या कोई इदा दा बंदा जेड़ा कि प्रिविलेज नहीं है राइट। सो दिस इज वॉट इज वर्क फॉर मी एंड आई होप कि तुम्हारे सारे में भी काम करें। दिस इज एजुकेशन आई हैव फॉर माई डॉक्टर्स एज वेल जो बहुत जल्दी तैयार हो गया है। थैंक यू। वाहगुरू जी का खालसा वाहगुरू जी की फतेह। मैं हाँ कौंसलर अमरिंदर सिंह ब्लैकटाउन सिटी कौंसल तो इस बार नारी दिवस के उत्ते साड़ी आस्ट्रेलीअन सिख एसोसीएशन कलैनवुड गुरुद्वारा साहब वालों बहुत ही वधिया उपराला किया गया। इस सवेरे प्रकाश तो लेके सुख आसन तक सारी ही जिहड़ी सीगी सेवा वो बीबिया ने की सारा दिन कीर्तन का प्रभाव भी चलिया। सो मैं इस मौके सारिया बीबिया भी बहुत मुबारक दिंदा और खास तौर पर गुरुद्वारा साहब की कमेटी में जिहड़ा इन्होंने उपराला किया बहुत ही शलाघाजोग है। सारी कम्यूनिटी इस चीज़ को बहुत शलाघा कर रही है। सो मैं उम्मीद करदा कि इस तरह के उपराले अगे तो चलते रहेंगे। सानू बहुत माण है साढ़े बीबिया जिहड़ा कि साडा बहुत नाम रोशन कर रहे कम्यूनिटी के पर जो असं कम्यूनिटी वालों उन्होंने रिकोगनाइज़ करते हैं असी उन्होंने वध तो वध इस तरह के उपराले देंगे तो वो सानू बहुत ही शलाघाजोग बनता। सो सारे मैं बहुत बहुत एक बार मुबारक देना बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।
वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। मेरा नाम हरिंदर कौर है ते मैं हरमन फाउंडेशन तो आप जी नाल शिरकत पा रही हाँ। सांझे विचार सुनने वाले सारे देखने वाले सारियां नूं बहुत बहुत साडा शुभकामनावां इंटरनेशनल वूमेंस डे दियां। ते अज गुरुद्वारा साहब ग्लेनवुड विखे एक प्रोग्राम सजाया गया है जिदे विच ये सारियां औरतां ने मिल के सारी साध संगत ने मिल के यह एक उपराला किया है जिदे विच कि औरत एक अपने आप च एक बहुत वड्डे मकाम ते पहुंची हुई है। वो नहीं कि वो मर्द तो अग्गे जा रही है, ये स्पष्ट हो गया है कि औरत या मर्द दोनों समान हैं, दोनों दे अपने अपने इस समाज दे विच रोल हैं। ते उन्हां नूं होर दोबारा 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 याद करके अपने समाज नूं आपां फिर एजुकेट करन दी कोशिश करनी है। आपां एक दूजे तों चेता कराना है कि दोनों दे पहिए मर्द ते औरत दे अपने समाज दे विच बराबर होने चाहिए हैं। सो इक्वालिटी इज़ वन ऑफ दैम। सो प्लीज़ जिथे भी थानू मौका मिले आवाज़ चक्को, जिथे थानू लगे किसी का शोषण हो रहा है। धन्यवाद। हाँ जी, बहुत वधिया उपराला सीगा इंटरनेशनल वूमेंस डे ते जिहड़ा ग्लेनवुड गुरुद्वारे साहब होया ते बड़ा वधिया लग्या सारे आए ते डिस्कशनस होईआं ने। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। मैं काउंसलर खुशपिंदर कौर ब्लैकटाउन सिटी काउंसिल तो ग्लेनवुड गुरुद्वारे में आई हूँ। तो अज मैं पता चले सवेर तो लैके शाम तक सारे जो प्रोग्राम हुए है ग्लेनवुड गुरुद्वारे च मॉर्निंग तो लैके इवनिंग तक जिहड़े भी होने होर भी वो सारे लेडीज ने किए। इन्ना वधिया तरीका इंटरनेशनल वुमेन डे मनाउण दा ये मैं शायद पहली बारी देख रही हूँ। और जिस तरह दस्या भैन जी ने कि यह फस्ट टाइम इत्थे दी हिस्टरी दे विच होया ते बहुत माण है मैनू कि ये कमेटी ने इन्ना सोचा कि सारी वुमेन नू इवन एस जी पी सी बारे नू सारे नू सोचना चाहिए। एंड कि इस तरह जिहड़ा वुमेन नू असी गुरु नानक देव जी ने तो कहता कि इक्वैलिटी दे दित्ती, पर असी रियल सेंस च ये इक्वैलिटी अपनी वुमेन्स नू चाहे वह घर है, चाहे वह जॉब है या चाहे वह गुरद्वारा है, कि असी वो इक्वैलिटी दे रहे हैं। ये अज सानू इत्थे दिख रही है इक्वैलिटी ग्लेनवुड दे विच। ते ऑर्गेनाइजेशन दा बहुत बहुत धन्यवाद। एंड आई एम रियली वेरी हैप्पी अबाउट दिस। थैंक यू। हांजी, वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। सारे सिख संगतां नू बहुत बहुत बधाइयां। अज इंटरनेशनल वुमेन डे ग्लेनवुड गुरुद्वारा साहब मनाया जा रहा है, पहली बार होया है सिख हिस्टरी दे विच जिहड़ी इत्थे दी हैगी ग्लेनवुड गुरुद्वारा साहब दी, जिहदे विच बीबियां ने पार्टिसिपेट कीता सवेरे अपने प्रकाश श्री गुरु ग्रंथ साहब जी तो लैके सुखासन साहब तक। महाराज जी का अज बीबिया तो महाराज सेवा लै रहे हैं। सच्चे पातशाह का बहुत बहुत शुक्राना सच्चे पातशाह। इस तरह सारी बीबिया तो सारी संगत तो अपनी सेवा लेंदे रहन। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह।
Hi, my name is Liana. I'm a model and a law student at UTS, and I love to support local businesses in the area that really help people around. So if you need any help with your house, please call PLU Renovations and Handyman and call Mr. Manu for the best service possible. Hi, I'm Tia. I'm the founder of an organization called Empowered BWB. It's a community organization that promotes businesses, among other things. And I would like to say that if any of you are building a house, if you like to construct a custom house, please approach Mr. Jatinder Singh from KB Prime Homes. I would highly recommend him. Thank you.